स्वामी जी आप हमें बराबर प्रेरणा देते रहते हैं कि स्वभाव में रहो, जागृति में रहो और दृष्टि को मोड़ना, दृष्टि की आराधना करना, अपने स्वभाव में रहना है और मैं शुद्ध आत्मा हूं इस चिंतन के अंदर रहना है। और व्यक्ति आपकी से प्रेरणा लेकर के उस साधना में रत हो जाता है और वह स्वभाव में रहने की प्रक्रिया चालू कर लेता है, खूब साधना करता है, परंतु वह ये जजमेंट करना चाहे कि मैं स्वभाव में रह रहा हूं नहीं, उसका परिणाम जो है वह तो हमारे बाह्य जगत में आता है, वह हमारे व्यवहार जगत में आता है, जो मन वचन काया का भोगोटा है उसके अंदर आता है, तो उसको महसूस कैसे करें जो हम मन वचन काया की प्रवृत्तियों का भुगतान कर रहे हैं, उसमें क्या परिवर्तन हमको महसूस होना चाहिए जैसे ये लगे कि मेरी स्वभाव की अनुभूति बढ़ रही है, टेस्ट करना चाहते हैं, कृपया वो टेस्ट बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं, मगर वो ज्ञान लाइव होना चाहिए। ज्ञान नॉलेज के रूप में नहीं होना चाहिए, ज्ञान मेमोरी के रूप में नहीं होना चाहिए, वो तो स्टोरेज है, स्टोरेज की वैल्यू नहीं है, एप्लीकेशन की वैल्यू है, प्रेजेंस की वैल्यू है। अगर हमारे पास ज्ञान है, परिवार में सबके पास ज्ञान है, घर के अंदर, कि जो घर में हमारे ग्रैंड फादर ने सूत्र लिखा है, घर के अंदर बीचों बीच सत्यमेव जयते, ये सूत्र लिखा है, हमारे घर के हर व्यक्ति वो सूत्र पढ़ते हैं, उसका अर्थ भी समझते हैं, ये ज्ञान तो सबको है, फिर भी घर के अंदर हर लोग, परिवार के हर लोग आसानी से झूठ बोलते हैं, आसानी से, वो भी ऐसा नहीं कि झूठ बोलने के बाद भी उसको एहसास होता है कि नहीं मेरी गलती हो गई, आसानी से बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है ज्ञान होते हैं वो भी, वो ज्ञान एक्टिव मोड में नहीं है, लाइव नहीं है, सिर्फ स्टोरेज में है, तो स्टोरेज के ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं ज्ञान लाइव होना चाहिए, ज्ञान परिणति के रूप में होना चाहिए, ज्ञान दृष्टि के रूप में होना चाहिए, ज्ञान उपयोग के रूप में होना चाहिए, ज्ञान संजोगों में अवस्था में हाजिर होना चाहिए। अगर राग और द्वेष के संजोग आते हैं जीवन में, उदय कर्म के आधीन, उस समय जो ज्ञान हो गया, इस समय ज्ञान हाजिर हो गया कि नहीं, मैं राग और द्वेष दोनों को साइन नहीं करूंगा, भले उदय कर्म में है मगर मैं साइन नहीं करूंगा, क्योंकि राग द्वेष करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो उदय कर्म के अधीन करता है, तो इसलिए मेरे को राग द्वेष करने की जरूरत नहीं है। तो ये ज्ञान मेरे को हाजिर हो गया कि उनके मन वचन का है कि अवस्था मात्र कुदरती रचना है, इससे जो इस शरीर को भुगतान होती है ये भी कुदरती रचना है। अगर ये ज्ञान मेरे को हाजिर रह गया तो फिर ये जो राग द्वेष होगा नया चार्ज के रूप में वो नहीं होगा, उदय के रूप में राग द्वेष, परिणाम के रूप में राग द्वेष कंपलसरी है, उसके लिए आज हम जिम्मेदार नहीं है, मगर उदय के साथ हमने सिग्नेचर कर दिया कि राग ये ही बात सही है और ये गलत है, यानी नया राग द्वेष हमने अंदर से साइन करके बनाया उस समय के ज्ञान दर्शन के आधीन, तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। और वो ज्ञान दर्शन लाइव होने के नाते वो राग द्वेष भी क्या हो गया, लाइव हो गया और बाद में कर्म बन गया और कर्म का फल भी आपको नेक्स्ट मर्त में मिलेगा। तो ये बात ध्यान से सुनो और ध्यान से समझो कि हमारे जीवन में हमारे पास जो ज्ञान है वो ज्ञान प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो आइए हम नेक्स्ट एपिसोड में और भी बात करते रहेंगे। धन्यवाद।